हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग फिर से कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि पॉलिटिकल साइंस का है, किसी भी एग्जाम के लिए जहां पर एमसीक्यू पैटर्न है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। हम लोग एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका डिटेल सोल्यूशन देखेंगे, ताकि अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई अदर क्वेश्चन भी बनता है तो वहाँ पर भी आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और आप आसानी से इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं। ये 21 नंबर क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, और इस वीडियोज में प्रॉपर हम लोगों के पास 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन के सोल्यूशन भी आपको दिए जाएंगे और सही आंसर भी बताए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है। व्हाट इज द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द देयर इज नो पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन। तो आपके सही आंसर यहाँ पे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा मार्कर ले लिया जाए भाई। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी। ठीक है ना, गांधी जी हैं। ठीक है, गांधी जी कहते हैं कि अगर राजनीति करना है, राजनीति समझना है, जानना है, तो बिना धर्म के, बिना रिलीजन्स के कोई भी राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती है। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है ना, तो ये भी पुस्तक आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या आपके साथ ना हो। ठीक है, तो ये याद रख लेना है। कार्ल मार्क्स को देखिए, जानना बहुत जरूरी है। कार्ल मार्क्स क्या था भाई, सबसे बड़ा मार्क्सवादी विचारक था, वैज्ञानिक जो सामाजिक अस्तित्व था, या फिर हम लोग कह सकते हैं वैज्ञानिक समाजवाद का जो प्रतिपादक था, यही था। और इसने वर्ग संघर्ष की भी बात करी थी, तो ये भी पॉइंट्स आपको इस ऑप्शंस में याद रखना है। नेहरू का और सुभाष चंद्र का वैसे कोई विशेष भूमिका नहीं, ठीक है, हालांकि देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा कि यह किसका कथन है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है, सरकार से संबंधित विद्या है। Who said that political science is the science related to governments? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिकाक महोदय। लिकाक महोदय का कहना है कि जो आपका राजनीति विज्ञान है, ये सरकार से संबंधित विद्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, थोड़ा सा समझ लीजिए। हमने जब आपको पढ़ाया था डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान का विकास, उसमें बेसिकली हमने देखा था एक बार राज्य को, ठीक है, और एक बार सरकार को, और फिर एक बार राज्य और सरकार दोनों को, और फिर हमने देखा था शक्ति को। ठीक है ना, तो जब शक्ति की बात आई थी, ठीक है ना, तो शक्ति की बात न कह करके यह है, लेखक महोदय ने कहा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति नहीं है, बल्कि ये सरकार से संबंधित विद्या है, मतलब सरकार को अध्ययन करने वाली विद्या है। ठीक है, तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिकाक महोदय। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन है। रूसो ने नारा दिया था, रूसो ने क्या नारा दिया था भाई, रूसो ने नारा दिया था प्रकृति की ओर लौटो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, रिटर्न टू नेचर, मतलब प्रकृति की ओर लौटना है। प्रकृति की ओर लौटने से क्या मतलब है भाई, इन्होंने कहा कि अगर आप मॉडर्न, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न होने लगेंगे तो आपके साथ समस्या होने लगेगी, क्योंकि आप नेचुरलिटी में बदलाव कर रहे हैं। ठीक है ना, चेंजेस इन द नेचर, ठीक है, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं समस्या है। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन कही थी, और इन्होंने कहा था, क्या कहा था, कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से तो जन्म लेता है, लेकिन सामाजिक जंजीरों से जकड़ा हुआ है, या फिर विभिन्न प्रकार के जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ठीक है, तो रूसो को आपको याद रखना है। अच्छा, रूसो है कहाँ का, तो रूसो बेसिकली था फ्रांस का, और फ्रांस के रिवोल्यूशन में, जो 1789 की फ्रांस का रिवोल्यूशन है, बहुत बड़ी भूमिका रूसो ने निभाई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि रूसो ने बहुत बड़ी भूमिका फ्रांस के रिवोल्यूशन में, या फिर फ्रेंच रिवोल्यूशन में, या फिर फ्रांस की क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, याद रखना है आपको। ठीक है ना, अच्छा, इन्होंने ही कहा था सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा ही सत्य है, समान इच्छा ही सत्य है, मतलब समान इच्छा का मतलब यह है कि सभी लोग मिल करके जो एक इच्छा को जाहिर करते हैं उसी को सही मान लेना चाहिए, और वही सत्य है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है रूसो के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये रूसो जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत से भी संबंधित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है
निम्न में से किसने राजनीति को अवांछितों की अंतिम शरण स्थली कहकर आलोचना किया था, ठीक है ना। हु एमंग द फॉलोइंग हैज क्रिटिसाइज्ड पॉलिटिक्स बाय कॉलिंग इट इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द अनडिजायरेबल, मतलब अंतिम शरण स्थली कह करके आलोचना किया था। तो ये जो है आलोचना जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा कहा गया था, ये जो आलोचना किया गया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा किया गया था। हालांकि आज आलोचक की बात करें तो ये जो है कामटे महोदय भी आलोचक हैं, ठीक है ना। कामटे महोदय, बकल महोदय, मेटलेन महोदय, ये सब के सब राजनीति विज्ञान के आलोचक हैं। और मेटलेन महोदय ने तो इतना तक कह दिया कि जब भी मैं राजनीति विज्ञान के प्रश्न को देखता हूँ तो मुझे इसके शीर्षक पर बहुत ही खेद होता है, मुझे बहुत ही दुख होता है। इतनी बड़ी बेइज्जती की थी किसने, जो मेटलेन महोदय हैं। मेटलेन से आप समझ सकते हैं मेंटल महोदय, याद रखने के लिए, मेंटल नहीं थे वो, ठीक है ना। तो अरस्तु महोदय की बात करें तो इन्होंने कहा था क्या, राजनीति विज्ञान सर्वोच्च विज्ञान है। क्या है? सर्वोच्च विज्ञान है, मास्टर साइंस है, मास्टर साइंस, और अधिपति विज्ञान, अधिपति विज्ञान, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ विज्ञान, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। और इन्हीं को राजनीति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। और जो आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक है मैकियावेली है, ये भी याद रखना है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में राजनीति शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग मैकियावेली ने किया था, ठीक है। तो ये सब के सब फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखना है। चलिए, मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखन कौन है भाई, तो ब्राइस महोदय है, ठीक है। ब्राइस महोदय ने मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक लिखा था। हु इज द ऑथर ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, आपका सही आंसर लॉर्ड ब्राइस हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट्स, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट्स, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बेंटले महोदय, ठीक है ना। देखिए किताब में तो कोई तरीका ही नहीं याद रखने का इसको, तो भाई वही है कि आपको रटना ही पड़ेगा, चाहे रट के याद करिए, चाहे किसी भी तरीके से याद करिए, मतलब फाइनली आपको याद रखना है, ठीक है ना। मॉडर्न स्टेट के लेखक बेसिकली हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर महोदय। हु इज द ऑथर ऑफ द मॉडर्न स्टेट, मैकाइवर महोदय, ठीक है। तो ये हो गए आपके सभी के सभी क्वेश्चंस के जो बुक हैं उसके आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इतिहास की धारा में राजनीति उसी प्रकार संचित है जिस प्रकार से नदी की रेत में सोने के कण, मतलब इतिहास से राजनीति उसी प्रकार से निकलती है जैसे नदी की रेत से सोने के कण निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका सही आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड एक्टन महोदय हो जाएंगे। लॉर्ड एक्टन महोदय का ये कथन है, इन्होंने ही ये कथन कहा था, ठीक है ना। देखिए इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं, कह रहा है कि पॉलिटिक्स इज अकुमुलेटेड इन द स्ट्रीम्स ऑफ हिस्ट्री जस्ट लाइक पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड इन द सैंड ऑफ द रिवर, हुज स्टेटमेंट इज दिस। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका लॉर्ड एक्टन महोदय, ठीक है, क्लियर। अच्छा देखिए, मैं बार बार कथन कह रहा था, ये कथन आ भी गया। निम्न में से किसने यह कहा था कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है, बहुत दुख होता है। F.W. मेटलेन महोदय, मेटलेन महोदय ने इस कथन को कहा था। ये राजनीति विज्ञान के सबसे बड़े आलोचक हैं, और इन्होंने ही जब कंट्रोवर्सी चल रही थी कि राजनीति विज्ञान को माने कि ना माने, मतलब राजनीति विज्ञान को माना जाए कि ना माना जाए, या फिर राजनीति विज्ञान को कला माना जाए, ठीक है। तो ये जब कंट्रोवर्सी चल रही थी यही लोग थे राजनीति को आलोचना किया था। हु एमंग द फॉलोइंग हैज सेड व्हेन आई लुक एट द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस अंडर द टाइटल्स ऑफ द पॉलिटिकल साइंस फील सॉरी नॉट द क्वेश्चंस बट फॉर द टाइटल्स। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, F.W. मेटलेन महोदय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पावर नामक पुस्तक लिखी गई है। तो पावर नामक पुस्तक बेसिकली लिखी गई है बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है भाई, बर्ट्रैंड रसेल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, चाहे आप किसी भी तरीके से याद रखें, आपको याद रखना है। अ बुक नेम्ड पावर हैज बीन रिटन, तो आपके हो जाएंगे बर्ट्रैंड रसेल महोदय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बाबू। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन राज्य नहीं है,
आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही, सॉरी 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 सॉरी, ए नहीं सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, संयुक्त राज्य संघ, फ्रांस। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये राज्य नहीं है, ये राज्य नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक संस्था है। क्या है? संस्था है, ये राज्य नहीं है। तो राज्य कौन सा है भाई? राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ, फ्रांस, ये सब के सब राज्य है। अच्छा, राज्य होने की क्या कंडीशन है भाई? राज्य क्यों हम कह रहे थे? तो देखिए, राज्य होने की कंडीशन क्या है? एलिमेंट्स होते हैं जिसमें भूमि, जनता, सरकार, संप्रभुता, ठीक है। भूमि, जनता, सरकार और संप्रभुता, ये जो चार एलिमेंट्स हैं, यही एलिमेंट्स अगर फुलफिल किए जाते हैं कहीं पर भी तो वो राज्य कहलाता है। अगर ये चार एलिमेंट्स नहीं है तो वो राज्य नहीं है। चलिए आगे बढ़े। देखिए, इंग्लिश में भी देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से लिव्यासन पुस्तक के लेखक कौन है? हु एमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक लिव्यासन। तो लिव्यासन पुस्तक के जो लेखक हैं बेसिकली वो जो है हो जाएंगे हाब्स महोदय। कौन हो जाएंगे? हाब्स महोदय, ठीक है ना? हाब्स महोदय, क्लियर है? हाब्स महोदय, ठीक है, क्लियर है। ये आपके लिव्यासन पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चंस आपने देख लिया। अगर आपको कंप्लीटली पैकेज लेना है, पैकेज मतलब समझ रहे हो आप, ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या ही ना हो, तो आपके लिए टारगेट गुरुकुल लेकर के आया है कंप्लीटली बैच। और ये बैच कहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा? आपको ऐप पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ये बैच आपको कहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा भाई? ये बैच आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ऐप पर। देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर यह है आपका बैच, ठीक है। यह है सारथी नामक बैच, और इस सारथी नामक बैच में सिर्फ और सिर्फ मिनिमम प्राइस में आपको दिया जा रहा है। इस सारथी नामक बैच में फीचर्स कौन कौन से दिए गए हैं जो आपके लिए जरूरी है? तो इस सारथी नामक बैच में फीचर्स जो दिए गए हैं वो है थ्योरी क्वेश्चंस, क्लास नोट्स पीडीएफ, और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स और पर्सनल मेंटरशिप। ये टोटली आपको दी जा रही है केवल और केवल छोटी सी मिनिमम प्राइस में। और सब्जेक्ट कौन कौन से देख लीजिए, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल साइंस एंड आपके हो जाएंगे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी, ठीक है ना? सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब के सब सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और फीचर्स आपके लिए इतने बेहतरीन हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो बेहिचक टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पे ये क्लासेस परचेज करने के बाद आपके 100% बल्ले बल्ले होने वाले हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो चाहे आपका एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू है, चाहे आपका एग्जाम पैटर्न डिस्क्रिप्टिव हो, कोई भी समस्या आपके साथ नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए, अब फिर से हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चूंकि मैंने सोचा कि आपको अगर ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता हो, चूंकि अभी तक तो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर के बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, पर्सनल गाइडेंस के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, कोई भी समस्या आपके साथ नहीं रहने वाली है, ठीक है। चले बाबू, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन पर तब आ जाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हो चुका था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था लिव्यासन पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो यहाँ पे हो जाएंगे हाब्स महोदय। कौन है? हाब्स महोदय है लिव्यासन पुस्तक के लेखक। अच्छा, जो लिव्यासन पुस्तक है उसकी विशेषता क्या है भाई? लिव्यासन पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें थ्योरी दी गई थी। कौन सी थ्योरी? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत थ्योरी। थ्योरी मतलब एक तरीके से प्रिंसिपल बोल सकते हैं, सिद्धांत बोल सकते हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, ठीक है। ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत था, इसको जो हाब्स महोदय हैं इन्होंने इसी में लिखा था। और इन्होंने इन्होंने जो बर्बर नामक शब्द का यूज किया था वो मानव के लिए किया था। किसके लिए भाई? मानव के लिए। कौन से मानव? प्रारंभिक मानव, प्रारंभिक
ठीक है। और इन्होंने कहा था कि प्रारंभिक मानव जो है बिल्कुल बर्बर थे, एक तरीके से असभ्य थे, मतलब कंप्लीटली बेकार थे, लड़ते झगड़ते थे, बिल्कुल विद्या उनके अंदर नहीं थी, नैतिकता नहीं थी, कंप्लीटली इतना बेइज्जती करा इन्होंने, ठीक है। और देखिए कह रहे हैं कि जो मानव है, इसी मानव को जो लाक महोदय हैं वो कहते हैं ये बर्बर नहीं थे, ये असभ्य थे। असभ्य मतलब इन्हें कुछ पता ही नहीं था, ये असभ्य थे। लेकिन लेकिन जो आपके रूसो महोदय हैं, रूसो महोदय कहते हैं आदर्श बर्बर, आदर्श बर्बर, ठीक है, आदर्श बर्बर। तो ये तीनों तीनों कथन है, तीनों टर्म्स है जिसको सामाजिक समझौता सिद्धांत में हाब्स, लॉक और रूसो के द्वारा यूज किया गया था, क्योंकि 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 इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी थी। और इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक भी लिख दी थी और सामान्य इच्छा की भी बात कही थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सामान्य इच्छा, ये याद रखिए रूसो महोदय के साथ, ठीक है। चले आगे बढ़ जाए भाई, ये हाब्स लॉक रूसो भी है। गार्नर, गार्नर का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि राज्य का प्रारंभ और अंत, सॉरी, राजनीति का प्रारंभ और अंत सबके सब राज्य के साथ ही होते हैं, ये गार्नर महोदय का कथन है, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए, कह रहा है कि प्लेटो के अनुसार राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति है। तो प्लेटो के अनुसार जो राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति है, अकॉर्डिंग टू द प्लेटो द स्टडी ऑफ द मैटर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वो है आपका आगमनात्मक पद्धति। कौन सी है भाई? आगमनात्मक पद्धति, ठीक है ना, आगमनात्मक पद्धति, इंडक्टिव, ठीक है ना, इंडक्टिव। क्लियर है, यहाँ तक की चीजें क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है, बस आपको पढ़ना है बाबू, आपको पढ़ना है, ठीक है, कहीं से भी कोई समस्या आपके साथ नहीं रह जाएगी। देखिए कह रहा है कि राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरस्तु महोदय ने कहा है, अरस्तु महोदय ने राजनीति विज्ञान को सर्वोत्तम विज्ञान कहा है। पॉलिटिकल साइंस इज द बेस्ट साइंस हुज स्टेटमेंट इज इट, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी भी प्रकार की समस्या इसमें नहीं है, ठीक है, याद रखिए। आगे देखिए कह रहा है कि किसने कहा हमारा राजनीति शास्त्र, हमारा राजनीति शास्त्र निर्जीव है। बेंटली महोदय हैं, बेंटली महोदय कहते हैं कि हमारा राजनीति शास्त्र निर्जीव है, इसमें किसी भी प्रकार की सजीवता नहीं है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, यहां तक की चीजें क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 36 नाउ, हाँ 36 नंबर्स का है। कह रहे हैं कि हु सेड पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस, राजनीति विज्ञान एक मास्टर साइंस है, किसका कथन? तो ये भी सही हो जाएगा, अरस्तु महोदय, ठीक है ना, अरस्तु महोदय, इसमें भी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत भाई, कोई भी दिक्कत हमें लगता है आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये किसने कहा कि सच्ची राजनीति इतिहास का दर्शन है भाई? तो यहाँ पे आपके एच जे लास्की महोदय हो जाएंगे। लास्की महोदय का कथन है कि जो सच्ची राजनीति इतिहास का दर्शन कराती है, ठीक है। Who has said true politics is the philosophy of history, मतलब जो सच्ची राजनीति है इतिहास का दर्शन करती है, ठीक है ना। अच्छा ये तो हो गया, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान ऋतु शास्त्र की तरह एक विज्ञान है? तो लॉर्ड ब्राइस महोदय ने कहा है, लॉर्ड ब्राइस महोदय ने कहा है, ठीक है, लॉर्ड ब्राइस महोदय कह रहे हैं कि who has said that political science is a science like मेट्रोलॉजी, ठीक है ना, मेट्रोलॉजी ऋतु शास्त्र की तरह एक विज्ञान है जो कि हमेशा बदलती रहती है। इनका सीधा सीधा कहने का मतलब यही था कि राजनीति शास्त्र जो है अपने आप में बदलाव करता रहता है, इसीलिए इसीलिए जो है आपका ये जो राजनीति शास्त्र है वो ऋतु विज्ञान की तरह है। अगला जो कथन है, कह रहा है किसने कहा कि राज्य व समाज परस्पर अन्योन्याश्रित एक दूसरे में घुले मिले तथा परस्पर एक दूसरे के ऋणी हैं? तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, लासवेल महोदय ने ये कथन कहा है। किसने कहा भाई? लासवेल महोदय ने ये कथन कहा है। देखिए इंग्लिश में हु हैज सेड दैट स्टेट इज अ सोसाइटी, स्टेट एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेड इंटरमाइग्लेट विथ इच अदर एंड म्यूचुअली इनडिबेटेड ऑफ इच अदर, ठीक है। तो आपका सही आंसर लास्ट महोदय हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने कहा था आई एम स्टेट, मैं ही राज्य हूँ? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लुई चौदहवा ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि आई एम स्टेट,
मैं ही राज्य हूं और मेरा जो कहा गया कथन है वो कानून है। ठीक है, तो ये उस समय की दशा थी। क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, क्या कंडीशन था उस समय, हम लोग देखेंगे जब हम लोग 1789 की क्रांति पढ़ेंगे। बट आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, आज की वीडियोज में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले जा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन और सारी क्लासेस टारगेट गुरुकुल ऐप पर कंप्लीट पैकेज दिया जा रहा है, कंप्लीट सीरीज दी जाएगी। जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा, 100% टारगेट गुरुकुल और सारथी नामक बैच आपके साथ रहेगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।